सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज सुबह सुबह भाई मेरे घर पे ना इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो चुका है, आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी भाई। सब्जियाँ ही सब्जियाँ, टमाटर, गोभी, ये देखो कितना सामान है मेरे रूम में। सब्जियाँ ये मैं यहीं पे सोऊंगा रात को भाई, सारा सामान है भाई। और भी दिखाता हूँ अभी यहाँ स्टॉक नहीं हुआ अभी। और देखो भाई, इधर देखो, कोल्ड ड्रिंक्स भाई, कुछ इसमें चीनी वगैरह, काफ़ी सामान ये है। और भी है अभी, रुको, अरे और भी है, आलू, प्याज, इतना सारा सामान भाई, क्योंकि कल है हमारे घर पे फंक्शन, तो उसी के लिए है भाई ये सारा सामान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम घर चेंज, हमारे चाचू है जो, वो अलग घर में शिफ्ट हो रहे हैं 25 साल बाद भाई, 25 साल बाद अलग घर में शिफ्ट, जब से पैदा हुआ तब से यहीं थे, 26 साल बाद भाई, मम्मी बोल रही है मेरी 26 साल बाद, बाय द वे जब से पैदा हुआ तब से यहीं थे, बट अभी अलग शिफ्ट हो रहे हैं भाई। मतलब मेरी मम्मी और जो मेरी चाचू की घर वाली हैं उनको तो 26 ईयर्स हो चुके हैं इकट्ठे भाई। पहली बार आज, आई मीन पहली बार ही होता है सब भाई, परसों या चौथ शिफ्ट हो जाएंगे। कल हमारे वहाँ पे पाठ रखाया ने थोड़ा शुद्धि के लिए भाई, जो बोलते हैं शुद्ध हो जाती है जगह उसके लिए, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे। और सामान सारा उसी के लिए भाई, प्रोग्राम है छोटा सा रखा हुआ। और ये किचन में हूँ मैं फिलहाल, अभी किचन में हमारे टाइल लगनी स्टार्ट हो जाएगी कल यहाँ पे, और बाकी सारा सामान रेडी हो ही चुका है किचन का मोस्ट प्रोबेबली भाई। ये देखो, ये पेंट्री का है, ये सारा सामान है, आप देख सकते हो सारा किचन का। आज सारा काम रुक जाएगा क्योंकि टाइल ही लगी हमारी, टाइल आज लग जाएगी, कल फिर काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा भाई अगेन। सो लेट्स गो गाइस, अपने आज के दिन का हमें सबसे पहला काम मिल चुका है, जो भी नया इन्वर्टर लाना है। सो वो निकलते हैं, मैं और मेरा दोस्त ही जा रहे हैं, गाड़ी में ही जाएंगे, बाकी धूप का कोई फ़र्क नहीं, बट है बहुत जो है बहुत है। सो गाइस, निकल चुका हूँ इन्वर्टर लेने, बाकी बताने की जरूरत है नहीं, मेरे साथ कौन जाएगा, एक ही इंसान है भाई, इतनी ज़्यादा बनती नहीं किसी के साथ, मतलब कि जमती भी नहीं है और है भी नहीं भाई, दोस्त मेरा एक ही रखा हुआ बिक्की, उसके पास जा रहा हूँ सीधा, उसको लेके निकलते हैं आगे भाई इन्वर्टर लेने भाई आज, क्योंकि कल हमारे घर में भाई आपको बताया ही है, बस जैसे जो भी है भाई उसके लिए इन्वर्टर तो ज़रूरी है ना, सारा काम भाई आज करवाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जितने भी जॉब जाते थे, मेरे चाचू सब ने छुट्टी की हुई है, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत करनी पड़ेगी, काफ़ी काम देखना पड़ेगा आज, और आके आपको सारा घर भी दिखाऊंगा भाई, वहाँ से वापस आते टाइम जब घर पहुँच जाएंगे तब दिखाऊंगा भाई यहाँ पे कितनी जल्दी। 2 दिन में सारा काम फिनिश करवाया है, पेंट वगैरह का सारा, सिर्फ 2 दिन में, लास्ट 2 दिन बचे थे भाई। चलो सो गाइस, बिके गांव पहुँच चुका हूँ मैं, वो अभी मेरे को दिख नहीं रहा भाई, इधर से आएगा पीछे से, बाकी गाड़ी में चश्मा पड़ा था, ये वैन, सॉरी मुँह पे चढ़ा हुआ ना शब्द ये, सो गाड़ी में चश्मा पड़ा था, ये बताना कैसा लग रहा भाई, वैसे है काफ़ी बड़ा है, आधा मुंह चश्मे में आ चुका है मेरा, बट अच्छा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, आ जा भाई, गर्मी बहुत है, पहले ही आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, धूप है। और ये देखो भाई, यहाँ पे ना वो चावल की जो काटते हैं ना, वो भी काटने लग पड़े हैं भाई, हमारे गाँव वाली तरफ, मतलब पूरे पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ भी हो रही है, मतलब कट जाती है चावल की खेती तो हो ही जाती है फिलहाल ऐसे टाइम भाई। बाकी ये भाई रियल स्ट्रगल देखो भाई, बच्चे को भी साथ लेकर आया हुआ है बेचारा, आपने छोटा सा बच्चा और कितनी धूप में आया हुआ है। सो गाइज, मेरा दोस्त आ चुका और कोक लेके आया भाई, इसको पता है कि आज बहुत गर्मी है, मेरा दिमाग गर्म रहता है, अगर नहीं लिया तो इसके दिमाग फट जाएगा, तो इसको थप्पड़ मारूंगा इसके, इसीलिए मेरे को ठंडा रखने के लिए कोक लेके आया है आज। अब मैं इसको इसीलिए नहीं पी रहा, पहले इसको पिलाई मैंने, क्योंकि मेरे को नहीं पता कुछ मिलाया हो इसने भाई, किसी पर ट्रस्ट नहीं ना कर सकते, मम्मा ने बोला किसी पर ट्रस्ट नहीं करना बाहर भाई, क्या पता कुछ मिलावट करके लाया हो, इसीलिए नहीं मैं पी रहा। अब इसने पी लिए पहले एक घूंट भी, मैंने इसमें से एक घूंट पी पहले भाई सो गाइस, ये जेलस फील कर रहा है मेरे से भाई, क्योंकि कहता चश्मा उतार दे, अच्छा नहीं लग रहा। आई नो भाई, मैं गुड लिविंग इंसान हूँ, क्यों नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे KFC है, KFC को देख के भाई, इसको मैंने बोला कि भाई चल सामान लेने जाना है, तब नहीं आया, इसको जब मैंने बोला KFC खाने जाना है तब आया है बंदा ये भाई, इसको मैंने प्रॉमिस किया है वेंसडे को जाएंगे, अगले वेंसडे को पक्का KFC आएंगे, क्योंकि वेंसडे को इसीलिए आते हैं हम, ऑफ होता है भाई काफ़ी, 50% ऑफ होता है वेंसडे को, नेक्स्ट वेंसडे को KFC आएंगे भाई पक्का, 100% कन्फर्म है, लिख के ले लें मेरे से, ठीक है, बस काम करवा दे मेरे से 2-3 दिन, वेंसडे को आना नहीं मेरा, चल मर्जी है भाई तेरी, फिर कैंसिल है तेरा, ऐसे काम देता हूँ भाई मैं इसको, बुधवार का याद करवा के बुधवार KFC जाएंगे, काम करवा देता, तभी आ जाता है भाई ये मेरे साथ ये बंदा बेचारा क्या बोले इसको।
सो गाइस बाजार में एंटर हो चुके हैं, बट यहाँ पे ना किचकिच है जो भाई, गाड़ियाँ रोड पे ही, इससे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को भाई, दिक्कत आती है यार। ये देखो कभी ट्रैक्टर किधर से घुसा दिया, कभी बाइक आगे कहीं से, किधर जा रहा है देखो, ये पता नहीं चलता लोगों को, अंधे हैं जैसे बाप का बाजार है किसी के। अभी पता नहीं कहाँ से लें, देखते हैं कहीं पर मिलाकर। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, सबसे पहले तो कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसकी, और यहाँ पे सारा सामान देख रहे हैं फिलहाल, फ्रिज, और ये कितने बड़े हैं भाई, शादी के लिए है देखो, डीजे जो पड़े हैं ये वाले, बट हमने चाहिए तो सिर्फ इन्वर्टर, पूरा स्मार्ट लग रहा है ये, बट वी वॉन्ट ओनली इन्वर्टर जो कि यहाँ पे पड़े हैं। चलो गाइस निकलते हैं अभी आगे भाई, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा, सो सोचा कुछ खा पी लेते हैं, आगे ना हंगरी पॉइंट है वो सामने, यहाँ से गाड़ी खड़ी रहने दे, आजा पैदल ही चलते हैं भाई। तो गाइस वी आर हेयर, हंगरी पॉइंट पहुँच चुके हैं, हंगरी पॉइंट को देख के हमें हंगर बढ़ चुका है, हमारा भूख लग चुकी है, बर्गर खाने का मर रहा है, देखते क्या खाएंगे बाकी। सो गाइस पास्ता बर्गर और सैंडविच अपना आ चुका है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है, ये खा के निकलते हैं भाई, काम करवाते हैं अपना, इन्वर्टर लेते हैं। सो गाइस कोक रह चुकी है, बाकी सब कुछ खा पी ले, इसको यहीं पी ले भाई, वो रहा हंगरी पॉइंट, अच्छा लगा, पेट भर गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। खत्म ही उन्होंने बहन जो कुएं का है, कुआ कुआ बड़ा पड़ा है इसका, इन कट लाइम लौटा रहा। गाइस अपनी छुटको खड़ी है भाई बेचारी, चलो अभी खा पी के पेट पूजा हो चुकी है, अभी काम दूजा रह गया हमारा, इन्वर्टर लेने का। ओ भाई साहब काम गुस्सा हुआ है, चल। हाँ जी भाजी, गाइस फाइनली इन्वर्टर मिल चुका है भाई, कम से कम 5 घंटे लग गए भाई, एक फाइलिंग प्रोसेसिंग में हो रही थी, और 5 घंटे बाद भी फिर भी नहीं हुई भाई, आज इतनी ज़्यादा बुरा हाल हुआ, इतनी फट रही है ना, अभी नींद आ रही है, और घर पर काम भी बहुत ज़्यादा है। सब ये पिया है यहाँ से कोल्ड ड्रिंक, ग्लास में डालते हैं 10 रुपये में, इससे थोड़ी एनर्जी तो आएगी, आँखें खुल जाएगी बस, और कुछ नहीं जाएगी, घर तक पहुँच जाए सही चलाऊँगा, वरना मैं चलाता सो गया अगर, फिर इसका क्या होगा। सो गाइस हालत काफ़ी ख़राब है भाई, सुबह से इन्वर्टर लेके आए, उसके बाद ब्लॉग इन कंटिन्यू, क्योंकि काम कर रहे हैं भाई, कल हमारे घर पे फंक्शन है, तो उसकी वजह से साफ़ सफाई क्या क्या भाई, रात के 10 बजे भी ये मेरे घर आया हुआ है बंदा भाई, दोस्त ऐसे होते हैं। चल भाई इसको भी घुमाना रह गया था, इसको भी घुमाने आया हूँ अभी फ़िलहाल, बस देखते हैं इसके बाद, बड़ा भाग रहा है भाई, खाना भी नहीं खाया बस सुबह के वक्त, तो हमने भाई 4-5 घंटे वहाँ पर लग गए सामान लेने के, उसके बाद लगातार 6-7 घंटे अभी लग चुके हैं भाई, अभी भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, 10 बज चुके हैं अभी, 10-12-1 बज जाएगा आज तो भाई हमें, और कल सुबह फिर 5 बजे उठना है, बहुत काम है, आजा भाई। गाइस रात के 11:30 हो चुके हैं भाई, नींद आ रही है पूरी आंखों में, बट अभी कहाँ, अभी तो एक 1/2 घंटे का ना ड्राइव भी करनी है गाड़ी, मिस्त्री हमारे उनको छोड़ने जाना है, वो भी बेचारे हमारे साथ ही लगे हुए हैं, और ये भी है, और ये मशीन देखो, गला काटने जाने किसी के, रात को 12 बजे गलियां पूरी सुनसान पड़ी हैं पूरी भाई, कोई बाहर नहीं है, सिर्फ ये लाइटें दिख रही हैं ना, जो यहीं पे फंक्शन है कल को भाई, यहीं पे है सारा फंक्शन। सो गाइस गाड़ी आ चुके हैं भाई, मैं और ये, अभी मिस्त्री आ रहे हैं, अभी उनको छोड़ने जा रहा हूँ उनके घर भाई, सुबह रात के आज 1 बज जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और सुबह फिर 5 बजे उठ जाएंगे, और पूरा दिन नहीं सोया भाई, आ रहे हैं जा रहे हैं, बुरी हालत हुई बढ़िया। सो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं, ख़त्म, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, खुश रहो, आगे रहो, जाते रहो, बाय। एंड हमारे सेकंड वाले घर में भी भाई काम आप